हेलो फ्रेंड्स, मैं सरल सात्विक टीम की तरफ से आप सभी का वेलकम करती हूँ। बाजार में मिलने वाली नमकीन हमें बहुत ज्यादा टेम्प्ट भी करती है और बहुत ही इजीली अवेलेबल भी है, लेकिन क्या वो हमारी हेल्थ के लिए उतनी ही अच्छी है? बिल्कुल नहीं। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही सिंपल सी एक भुजिया की रेसिपी। आप इसको आलू वाले बेसन सेब भी बोल सकते हैं, लेकिन आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगी जिससे कि इसको बनाना बेहद ही आसान हो जाएगा। बिना किसी मेजरमेंट के आज हम बनाएंगे आलू भुजिया की रेसिपी। तो फ्रेंड्स, आप मेरी इस रेसिपी में एंड तक जरूर बने रहें, जिससे कि वो इम्पोर्टेंट बातें, वो सभी बातें आप जान पाएं और पहली बार में ही इस परफेक्ट आलू भुजिया की रेसिपी को घर पर बना पाए। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो सबसे पहले जो बेहद जरूरी चीज है इन सेब को बनाने के लिए, वो है कि हम किस ऑयल में इन बेसन के सेब को तलेंगे। जो आप कढ़ाई लेना वो फ्लैट बॉटम की हो, क्योंकि अक्सर क्या होता है जब आप बेसन के सेब या भुजिया या नमकीन बनाते हैं ना, तो जो अगर आप गहरी कढ़ाई लेंगे तो नीचे नीचे वालों पे तो अच्छी सिकाई हो जाती है और ऊपर वाली जो लेयर है वो थोड़ी कम सिकती है, तो इवन कुकिंग नहीं होती है उससे। अक्सर आपने देखा होगा कि आजकल सब लोग फ्राइड फूड से बहुत ही कतराते हैं और ये सोचते हैं कि पैकेट में मिलने वाला फूड बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है, उसमें कितना भी लिखा हो ट्रांस फैट, कितना फैट है, लेकिन फिर भी वो बार बार उसी ऑयल को प्रोसेस करके किसी ना किसी फॉर्म में, क्योंकि ऑफकोर्स वो उसको वेस्ट तो करते नहीं हैं, तो वो हमें ही किसी ना किसी फॉर्म में खाने को मिलता है। लेकिन जब बात घर में बनी हुई चीज़ों की होती है तो हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि हम फ्रेश ऑयल लें, और फ्रेश ऑयल कभी भी इतना ज़्यादा डेंजरस नहीं होता है या इतना ज़्यादा नुकसान नहीं देता है। तो यहाँ हम इस बेसन की भुजिया को बनाएंगे सरसों के तेल में। तो अगर आप सरसों के तेल की स्मेल आपको नहीं पसंद है तो आज मैं आपके लिए बताऊँगी बहुत ही इम्पॉर्टेंट टिप, जिससे कि आप भी सरसों के तेल को अपनी लाइफ में इंक्लूड कर पाएंगे। तो यहाँ मैंने सरसों का तेल गरम करने के लिए रख दिया है कढ़ाई में, जिस कढ़ाई में हम अपनी बेसन के सेब बनाएंगे। तो अगर आपको बेसन के तेल की स्मेल आती है तो मैं इसमें डाल रही हूँ ये आधा चम्मच जितना नमक। तो ये नॉर्मल नमक है, सेंधा नमक, आयोडाइज नमक, कोई भी नमक आप इस सरसों के तेल में डाल दें और फिर इसको हम अच्छा उबाल देंगे। तेल को खूब अच्छे से गरम कर लेंगे जिससे कि जो तेल है उसका कड़वापन निकल जाए और जो कहते हैं बड़े लोग कि वो फट जाएगा तेल। तो जब वो फट जाएगा, कड़ जाएगा अच्छे से तेल, तो उसकी स्मेल निकल जाएगी और फिर जिन लोगों को स्मेल आती है सरसों के तेल की, वो लोग भी इसको यूज कर सकेंगे। और यकीन मानिए आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये नमकीन सरसों के तेल में बनी है। रिफाइंड ऑयल बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते हैं हमारी हेल्थ के लिए। ऑलिव ऑयल में आप डीप फ्राइंग वाली कुकिंग नहीं कर सकते, तो इसलिए सबसे बेस्ट है सरसों का तेल यूज करना। तो जब तक हमारा ये हम मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको अच्छे से कढ़ने देंगे, अच्छे से पकने देंगे सरसों के तेल को, तब तक हम अपने बेसन के सेब की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो ये यहाँ पे मैंने लिए हैं ये तीन आलू। तो आलू की क्वांटिटी आप थोड़ी बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, बट ध्यान आपको ये रखना है कि ये आलू अच्छे से ठंडे हों, ये गरम ना लें आप आलूओं को। तो बॉईल करके इनको ठंडा कर लें और उसके बाद आप इनका स्किन को हटाएं। तो ये आलू जो मैंने लिए हैं इनको मैं ग्रेट करूंगी बिल्कुल फाइन वाले कद्दूकस से। तो मोटा कद्दूकस आप यूज़ ना करें, रीज़न मैं आपको बताऊँगी। तो इस तरह से हम बिल्कुल फाइन वाले से इसको कद्दूकस कर लेंगे। हाथ से आप इनको आलू को मैश ना करें, इस तरह से कद्दूकस करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो हम सेब बनाएंगे वो हम मशीन का यूज़ करके बनाएंगे और अगर कहीं पे भी ये आलू का जो पीस है वो थोड़ा मोटा रह गया तो वो मशीन के थ्रू निकल नहीं पाएगा और फिर आपके जो सेब हैं वो अटक अटक के बनेंगे, बहुत ही स्मूथ और फाइन नहीं बनेंगे। यहाँ पे जो हमें मसाले ऐड करने हैं वो हम इस छलनी के ऊपर रख के डालेंगे, जिससे कि कोई भी मोटा जो मसाला है वो इस हमारे इस जो हम डो लगाएंगे उसमें ना आए। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले ले रही हूँ हल्दी, तो हल्दी से कलर बहुत अच्छा मिलेगा आपको। साथ ही मैं डाल रही हूँ
अमचूर पाउडर, थोड़ा सा मैं इसमें डालूंगी धनिया पाउडर। इसमें मैं ऐड करूंगी थोड़ा सा पुदीने का पाउडर। तो मैंने ताज़े पुदीने को ड्राई करके उसको पीस लिया है। तो मैं हमेशा रखती हूँ इस पुदीने के पाउडर को, क्योंकि रायते में ये बहुत टेस्टी लगता है। और नेक्स्ट मैं इसमें डालूंगी नमक। तो नमक आप स्वाद के हिसाब से लें, लेकिन थोड़ा सा कम करके ही लें, क्योंकि जो बेसन होता है ना, तो बेसन में हल्का सा भी अगर ज़्यादा नमक होगा तो वो बिल्कुल भी खाने में अच्छा नहीं लगता है। और यहाँ पे है मेरे पास थोड़ी सी कसूरी मेथी, जिसको अगेन मैंने थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करके हाथों से ही क्रश कर लिया है। और इन सभी मसालों को हम इसमें अच्छे से छान लेंगे। अगर आप ये मसाले इसमें ऐड नहीं करना चाहते हैं तो सिर्फ नमक और मिर्च डाल के भी इसको, इन सेब को बना सकते हैं। और इसमें नेक्स्ट मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ी सी लाल मिर्च। मैंने इसमें अजवाइन वगैरह नहीं डाली है, क्योंकि अजवाइन अगेन, क्योंकि मैं थोड़े महीन सेब बनाऊंगी, भुजिया क्योंकि थोड़ी महीन होती है, तो इस रीज़न से मैं इसमें अजवाइन नहीं मिला रही हूँ। और अब इन सभी मसालों को हम अच्छे से आलू के साथ मिक्स कर लेंगे। तो आलू का जो मिक्स है वो हमारा बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो गया है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके बेसन डालेंगे। तो ये मैंने एक कप बेसन लिया है। इसमें आपको मेजरमेंट की ज़रूरत नहीं है, आलू के साथ ही हमें बेसन को अच्छे से मिक्स करना है। इतना बेसन तो आराम से लग जाएगा। और इसके बाद जो लगेगा वो हमें थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, और इसका एक सॉफ्ट आटा लगा देंगे। तो आप देख सकते हैं जो भी मैंने बेसन डाला था वो इसमें अच्छे से मिल गया है। तो इसमें अभी हम और बेसन डालेंगे, क्योंकि अभी ये जो आटा है वो बिल्कुल सॉफ्ट नहीं लगा है। इस टाइम पे मैं इसमें ऐड करूँगी 2 से 3 चम्मच सरसों का तेल। आप इसमें ये तेल हम इसलिए डाल रहे हैं जिससे कि जो हमारे बेसन के सेब हैं वो अंदर से फोके बने। थोड़ा थोड़ा करके इसमें बेसन अगेन ऐड करूंगी। जैसा आपका चपाती का सॉफ्ट आटा होता है ना, बिल्कुल वैसा लगाना है। ऐसा भी ना हो कि वो बहुत ज़्यादा चिपके। इसमें पानी हम बिल्कुल नहीं ऐड करेंगे। जितना आलू में मॉइस्चर होगा ना, उसमें जितना बेसन हम यूज़ कर पाएंगे उतना ही बेसन हम इसके साथ मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर ये हमारा आटा अच्छे से लग के तैयार है, और आप देख सकते हैं कि कितना सॉफ्ट है ये हमारा, और ऐसा भी नहीं है कि ये हाथों पे चिपक रहा है। तो बिल्कुल ऐसा ही आटा आप लगा के तैयार करें। अभी भी हमारा जो तेल हमने गरम करने रखा था उसमें अच्छे से उबाल नहीं आया है, वो अभी साइड बाय साइड कुक हो रहा है। यहाँ पे सेब को बनाने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ इस टाइप की मशीन। मेरी ये मशीन काफ़ी काम में आती है, क्योंकि मैं इससे बिस्किट्स भी बनाती हूँ, बेसन के सेब भी बनाती हूँ, मुरक्कू भी बनाती हूँ, जो चकली होती है चावल की वो भी बनाती हूँ। अगर आप भी सोच रहे हैं इसको लेने का, तो इसको ज़रूर बाय करें। अगर आप चाहते हैं कि मैंने कहाँ से ली है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, जिससे कि मैं आपके साथ अपनी डिटेल्स शेयर कर सकूँ। तो ये मैंने तो ऑनलाइन ली है। तो इसके अंदर हम पहले करेंगे ऑयलिंग, जिससे कि जो दो हम इसमें डालें, आटा जो हम डालें बेसन का जो हमने लगा के तैयार किया है, वो इसके अंदर चिपके नहीं, और बहुत स्मूद और क्लीन, मतलब बिल्कुल भी वेस्टेज ना हो, चिपके नहीं। तो अच्छे से हम इसमें लगा देंगे। और मैं ये वाली इसकी प्लेट यूज़ कर रही हूँ, तो ना ये मोटी है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा मोटे बेसन के सेब नहीं पसंद है, थोड़े से फाइन हो तभी क्रिस्पी करारे लगते हैं और खाने में भी मज़ेदार। इस प्लेट पे भी मैं ऑयलिंग कर लूँगी, क्योंकि होता क्या है इस पर अक्सर चिपक जाते हैं बेसन के सेब जब हम निकालते हैं उस टाइम पे। तो यहाँ पे मैं इसके लंबे लंबे लॉग्स बना लूँगी इस तरह से, जिससे कि इसके अंदर ये ईजिली जा सके। इसको हम अच्छे से हाथ से प्रेस कर देंगे, और अब इसके ऊपर मैं इसकी लिड लगा दूँगी। बहुत ईजी है इससे बनाना, बहुत सेफ भी है। जो लकड़ी वाला हत्था होता है ना, उसे मेरे घर में बनता है उससे, लेकिन मुझे वो थोड़ा अनसेफ लगता है। तो हमारा जो तेल है वो अच्छे से गर्म हो गया है इस टाइम पे। तेल एक बार अच्छा गर्म हो जाए, और फिर आप फ्लेम उसकी लो कर दें, जिससे कि बहुत तेज़ अगर आप आंच पे सेब डालेंगे ना अपने इस गन मशीन से, तो बहुत जल्दी सिक जाएंगे और अंदर तक नहीं सिकाई हो पाएगी। तो मैंने बिल्कुल लो कर दी है फ्लेम, क्योंकि हमारा जो बहुत अच्छे से ऑयल गर्म हो गया है। और अब हम सर्कुलर मोशन में करते हुए देखिए, बहुत ईजिली ये निकल रहे हैं, आप देख सकते हैं।
और छाट इसमें ये बता रहे हैं कि जो हमारे बेसन के सेब हैं इनको बिल्कुल भी डालने के बाद टच ना करें, क्योंकि बेसन जो है वो बहुत कच्चा है। अगर आप अभी इनको टच करेंगे, हिलाएंगे, तो इनका ये टूट सकते हैं। बिल्कुल इनको पहले सिकने दें, बबल्स थोड़ी कम हो जाएंगे, बिल्कुल लो फ्लेम है क्योंकि हमें इसकी सिकाई अंदर तक चाहिए। जब बबल्स बिल्कुल खत्म हो जाएंगे उसके बाद हम इनको टच करेंगे और फ्लिप करेंगे। तो आप देख सकते हैं सारे बबल्स बिल्कुल शांत हो गए हैं, बंद हो गए हैं बबल्स आना, और इस टाइम पे हम इनको फ्लिप करेंगे। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल भी ज्यादा सिकाई नहीं हुई है, और इस टाइम पे अब हम नीचे और इक्टा साइड से भी इनको अच्छे से कुक होने देंगे। तो मैं इसी की बात कर रही थी, आप देख सकते हैं ये सब बेसन के सेब आपस में जुड़ गए हैं। तो अगर आपकी ऊपर नीचे वाली बहुत डेप्थ वाली कढ़ाई होगी तो इस तरह से एक साथ इवन कुकिंग नहीं हो पाएगी। बेसन जो है वो बहुत जल्दी सिकता है, तो कुकिंग में तो बहुत कम टाइम लगता है और सभी चीज़ें आपके घर में अवेलेबल होती हैं, तो आप घर पे ही इस नमकीन को बना करके एंजॉय करें। अरे ऑलमोस्ट सिक के तैयार हो गए हैं और मैं इनको निकाल लेती हूँ। ये हमारे बेसन के आलू बेसन के सेब बनके बिल्कुल तैयार हैं। तो थोड़ा सा इनको रूम टेम्परेचर पे आने दें और उसके बाद आप इनको हल्का हल्का क्रश कर सकते हैं, जिससे कि थोड़े छोटे हो जाएंगे, क्योंकि अभी तो ये काफ़ी बड़े बड़े हैं। तो इस तरह से बस हल्का सा क्रश करें, बहुत ही क्रिस्पी बने हैं, आप देख सकते हैं। आवाज़ सुनकर ही आप पता लग सकता है कि कितने ज़्यादा ये करारे बने हैं और बिल्कुल इकसार सिकाई हुई है, ये नहीं कि कहीं कम कहीं ज़्यादा, बिल्कुल परफेक्ट सिकाई हुई है इनकी। तो फ्रेंड्स, जो छोटी छोटी बातें मैंने अपनी वीडियो के दौरान शेयर करी, आई होप आप उनको उनको फॉलो करेंगे और एक बार इस आलू बेसन की नमकीन या सेव या भुजिया को ज़रूर ट्राई आउट करेंगे। तो मिलते हैं ऐसी टेस्टी, हेल्दी येट ईजी टू मेक रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।